हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, रेलवे जेई वाली भर्ती के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है छात्रों के लिए। जी हां फ्रेंड्स, आरआरबी जेई की दो बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी हैं दो जोनों के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर जो है पहला जो अपडेट है आरआरबी बेंगलोर जोन की पैनल के बाद अब जो है उनकी कट ऑफ भी यहाँ पर जारी कर दी गई है आरआरबी बेंगलोर जोन की। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कट ऑफ जारी कर दी गई है और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मेरिट इंडेक्स की इंक्रीजिंग हुई है। ठीक है, जिसमें 60-70 मेरिट इंडेक्स तक बढ़ा दिया गया है, बढ़ चुका है। ठीक है, 100 तक भी बढ़ चुका है। और फ्रेंड्स एक जोन की जो है री मेडिकल का नोटिस जारी हो चुका है और उनमें जो है जो कैंडिडेट जो है मेडिकल में अनफिट रहे थे उनकी भी लिस्टें जारी कर दी गई है और उनको जो है री मेडिकल के लिए बुलाया गया है और ऑफिशियली DMC की रिपोर्ट भी यहाँ पर आ चुकी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, मैं आपको रेलवे की सभी अपडेट्स वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप 50 रुपये का कैशबैक अर्न करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 4Pen एप्लीकेशन का लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करके 4Pen एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराओ, तुरंत ही पेटीएम का 50 रुपये का कैशबैक पाएं और अपने पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो है आरआरबी भोपाल जोन का देखते हैं, जिसमें कैंडिडेटों को जो है मेडिकली अनफिट पाए गए थे उन कैंडिडेटों की लिस्ट यहाँ जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CA नंबर, तो इसमें देख सकते हैं CA नंबर 03/2018-1/1/2020 में नोटिस जारी किया गया था। क्लिक हेयर टू इम्पोर्टेंट नोटिस ऑफ CA नंबर 03/2018। तो इसमें देख सकते हैं आपको इस पर क्लिक करना है, नोटिस को डाउनलोड कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है आरआरबी भोपाल। ठीक है, इम्पोर्टेंट नोटिस CA नंबर 03/2018 इन द मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन रेलवे हॉस्पिटल आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ CA नंबर 03/2018 और जो है CA नंबर 03/2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रेलवे में इनका मेडिकल हुआ था। 11 कैंडिडेट ऐसे थे जो DMC में जो है इनको लोअर मेडिकल क्लासिफिकेशन में जो है फिट पाए गए थे, इसलिए इनको जो है रीमेडिकल करवाया जाएगा। अगर ये जो है लोअर की जगह अगर ये जो है हायर मेडिकल क्वालिफाई कर जाते तो इनको जो है फिट मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि द डिटेल ऑफ कैंडिडेट ड्यू फॉर DMC हॉस्पिटल नेम डेट of DMC and the reporting time as RS under। और यहाँ पर बताया गया है किन किन कैंडिडेटों को कहाँ कहाँ आना है री मेडिकल के लिए। DMC फिक्स्ड इन जबलपुर डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल और इनको जो है जबलपुर डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल में जाना है इन 10 कैंडिडेटों को। ठीक है, तो कौन कौन से कैंडिडेट हैं यहाँ देखिएगा, इनका सीरियल नंबर दिया है, DV नंबर ये है, रोल नंबर ये है, कैंडिडेट का नेम यहाँ पर है और रिक्वायर्ड मेडिकल कौन कौन सी मेडिकल की आवश्यकता है वो ठीक है यहाँ बताया गया है। और ये जो है फिट पाए गए थे B1 और C1 में, अगर ये A3 में भी क्वालिफाई हो जाते तो उन्हें A3 मिल जाएगा, नहीं तो B1 C1 में जो पोस्ट रहेंगी वो पोस्ट इनको दी जाएंगी। रिपोर्टिंग टाइम ये है और 7 तारीख को इनको जाना है और कुछ 8 तारीख को इनको जाना है कैंडिडेटों को। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट 10 कैंडिडेट इसमें देख सकते हैं कब जाना है कहाँ पर जाना है। ठीक है, वो जाने के लिए इन 10 कैंडिडेटों को जो है जबलपुर डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल में जाना है और एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको DMC फिक्स्ड इन भोपाल डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल और इनको जो है 7 जनवरी को जो है जाना है भोपाल डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल में। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं और कुछ नोट में बताया गया है नीचे। फर्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि इफ ए कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्टिंग फॉर DMC इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज हर प्रीवियस मेडिकल फिटनेस एंड ही सी हैज नथिंग टू रिप्रेजेंट ऑन द सेम। और फ्रेंड्स, अगर DMC के लिए कोई नहीं जा पाता है इन 11 कैंडिडेटों में से तो जो मेडिकल में फिट पाए गए थे वही इनका मेडिकल माना जाएगा और वैसी ही पोस्ट इनको दे दी जाएगी। ही सी विल लोज द चांस ऑफ अपील अगेंस्ट द मेडिकल एग्जामिनेशन रिजल्ट और ये जो है अपील नहीं कर सकते अगर आप इसमें नहीं जाते हैं। तो जो कैंडिडेट इसमें DMC में पहुँचता है तो उनको ही मौका दिया जाएगा अपील के लिए। कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द DMC शुड कैरी देयर ओरिजिनल ID प्रूफ प्रिंट आउट ऑफ द ईमेल अलोंग विद 1 पासपोर्ट साइज फोटो और आपको अपना ओरिजिनल ID प्रूफ जो ईमेल आया है उसका प्रिंट आउट और 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाना है। उसके बाद देख सकते हैं ये है भोपाल जोन के जिनका अभी इस लिस्ट में नाम है। तो कोशिश कीजिएगा सभी DMC में जाकर जो है अटेंडेंस दें अपनी। ठीक है, और ये था। अब देखते हैं फ्रेंड्स बेंगलोर जोन का, जिसमें फ्रेंड्स आपको जो है जो कट ऑफ पैनल के बाद जारी हुई थी वो और इसमें जो है मेरिट इंडेक्स में कितना कितना इंक्रीजमेंट किया गया है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं आरआरबी बेंगलोर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम आपको कट ऑफ बता देते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ एंड कट ऑफ सीए नंबर 03/2018 टू व्यू कट ऑफ मार्क्स फॉर पैनल क्लिक हेयर, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है और अपनी जो कट ऑफ है, ठीक है, उसको यहाँ डाउनलोड कर लेना है। तो देख सकते हैं मैंने नोटिस को ओपन कर लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो कट ऑफ है पैनल के बाद जारी हुई थी वो आरआरबी बेंगलोर जून की है, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स आपको बता दूँ मेरिट इंडेक्स जो है इंक्रीजमेंट किया गया है, उसमें करीबन 60-70-100 तक जो है इंक्रीजमेंट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं सभी की कट ऑफ यहाँ पर बताई गई है। जूनियर इंजीनियर ब्रिज, ठीक है, यूआर में कितनी रही थी, एससी एसटी सभी यहाँ पर कट ऑफ जो है इंक्रीजमेंट हो चुका है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स कट ऑफ, मैंने आपको बता दी। तो जिन जिन कैंडिडेट ने कट ऑफ देख ली है, ठीक है, वो नीचे प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं कि उनके कितने कितने नंबर्स रहे थे और वो कौन कौन कट ऑफ में कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आ चुका है। तो फिलहाल ये था अपडेट और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी फ्रेंड्स। अदर कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट आता है जेई भर्ती को लेकर तो मैं तुरंत ही वीडियो प्रोवाइड आपको करा दूंगा। धन्यवाद उस वीडियो देखने के लिए। आपको करना कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिस आपको पहुँच जाए।